नमस्कार मंतव्य सहित मो पूर्व मंतव्य आज विषयवस्तु रही रायपुर गुमर मंत्री दिव्यशंकर मिश्र कैप्टेन मिश्र रायपुर को जवा सेठार तीन तीन थर कंप्रोमाइज चेष्टा करा कंप्रोमाइज शेष विफल होपे गोविंद साहू ममिता मेहर को अति निर्मम भाव हत्या करी विजय महापात्र वरिष्ठ नेता आज एने पुणि थे सांघातिक अभियोग आनी रायपुर गुमर को कौन पर पुलिस सामना को आणुना रायपुर लिंक को कौन पर एक्सपोज करूना पुलिस तदंत लिंक करूना ताकूम बड़ प्रश्न उठाई इन्हें आलोचना करने आम सहित रे पश्चिम ओडिशा ब्यूरो चीफ आम रे सुरेन्द्र बारिक आम सहित आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती सामिल है आम सहित सामिल होती वरिष्ठ सांबादिक श्रीयुक्त अक्षय साहू आम सहित अच्छे श्रीयुक्त साहू आप सहित आलोचना आरंभ करने को चाहिए आपंठू प्रकृत में पुलिस जो रायपुर गुमर कथा सामना को आसूँ विजय महापात्र पूर्वर थे प्रेस मिट कर आज थे पुणी थे स्पष्ट स्पष्टीकरण भाव दोहर जे रायपुर गुमर जदि पुलिस एक्सपोज करना को आमाम अपराध जो प्रक्रिया रही क्यों क्यों मैंने सामिल अच्छा सामना को आसी पारे तेल पुलिस ये पछगुंचा कौन पर देखते एपर्तंत देखो तो पुलिस प्रथम जी आप डीआईजी भाषा को शुणे रिप्ले करे स्पष्ट कर दे पुलिस कौन सी समय कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को से तदंत करिवो नाही अच्छा पुलिस गोटे कथा कहिथिले जे आमे वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द वी आर इन्वेस्टिगेटिंग टू एस्टैब्लिश द मर्डर ए कथा कहिथिले अर्थात मर्डर जणे करिछि से मर्डरटा हला कि आपनकर गोविंद साहू करिछि त से सीधा कहले 302 302 रे मर्डरटा को से सब्यस्त करिवे किंतु मर्डर पछर जो मोटिव अछि मर्डर पक्षर जो कॉन्स्पिरेसी अछि उद्देश्य एवं जो षडयंत्र अछि सेई दिन ताकर से वक्तव्य को यदि आपन बारंबार ता रिप्ले करके सुनेबे गोटे से सेंटेंस सेउटो स्पष्ट जो माने बुझबा कथा बुझी जाइतिबे जे ए जो षडयंत्र पार्ट ता को षडयंत्र जो अंश ता को पुलिस इन्वेस्टिगेशन करिवो नाही अर्थात पुलिस निजे मानि नै छि जे परोक्ष प्रीति एकमात्र थ्योरी आउ कोनोसी थ्योरी होई न पारे जेतु पुलिस मानि नै छि जे एहा एकमात्र थ्योरी परक्या प्रीति कथा जो से परक्या प्रीति कथा भी सामने को आना सहित परक्या प्रीति कौ परिस्थिति रे से परक्या प्रीति जदि जदि प्रगट हो जाता कौन बेद अशुद्ध हो जाता कहार क्षति होता गोविंद साहब क्षति होते कौन असुविधा होता से कथा से कही ना कारण से कथा जब से कही था लोक विश्वास कर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टा को प्रश्न करते तेणुक से स्पष्ट भाव से कहीदे जे कौन विशेष किसी प्रकट न करी जे कहले विल एस्टैब्लिश द मर्डर अर्थात 302 सेटा को से एस्टैब्लिश करिवे एवं गोविंद साहू को ही से केवल तांकर जदि पारिबे त से तांकर जदि उद्देश्य थिवे ताकू दोषी सब्यस्त करिवे नहले जो बळी तदंत होची माने हमर अभिज्ञता आमी कहिबु जे से भी खसी जिवार बहुत संभावना रहिची किंतु कॉन्स्पिरेसी पार्ट को आउदो जिबा को चाहि नाती कि एपर्यंत तदंत आरंभ हेई नाही कि तदंत आरंभ हब कि नहीं तक भगवान ही जानते ओके तो आम सहित दिव्यज्योति महांती अच्छा प्रतिनिधि अच्छा अधिक सूचना तुम्हारे ना दिव्यज्योति विजय महापात्र आज पुणी थे से ही कूल अपार्टमेंट होम कूल अपार्टमेंट कथा सामना को आनीचे कौन पर पुलिस तदंत करूनी पूरा प्रेस मिट रे आज विजय महापात्र क्यों क्यों प्रसंग सब उठाई होम कूल अपार्टमेंट को नहीं कौन सब तथ्य सामना को आनी देखंतु अपूर्व विजय महापात्र आज पुणी थे जो सांबादिक सम्मेलन करते दुईट गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उठाई मंत्री रायपुर लिंक संपर्कित से कहते गोटे थर बैठक रायपुर होनी बैठक तीन रु चार थर कर लगातार तीन चार मास धरी ममिता मेहर एवं गोविंद साहू मंत्री रायपुर जाठार बैठक तीन रु चार थर कर बैठक बारंबार विफल हो बारंबार बैठक विफल होगापर एभली एक जघन्य कांड कर गोविंद जो प्लट रचाई ममिता को मारिया जो प्लॉट रचाई था ताहा जो मंत्री बासभवन कूल होम अपार्टमेंट से ही रचाई था बोली सीधा सड़क कहते आ गोटे कथा कहते जोबले गोविंद बाराक से ही समय मंत्री सीधा सड़क फोन जो कथा होभली एक संगीन अभियोग आनी खोद विजय महापात्र सहित आ गोटे कथा कहते बाराक्रु खसी जापर लगातार भाव में गोविंद मंत्री कथा होता ए गुरुत्व अभियोग आनी भाव में ये दुई तीनो अभियोग आज आजय महापात्र सबुठ बड़ कथा हो गोविंद बाराक बेले मंत्री सहित कथा बाराक्रु खसी जापर मंत्री सहित कथा होता निहत भाव में यूर गोटे कथ स्पष्ट हो गोविंद को खसाइबार मंत्री हाथ थी आम जो सन्देह करुले लोकंर जो अभियोग जो अभियोग आधार में आम खबर प्रसारण करुले जदिव मंत्री आम ना मानहानी मकदमा कर
किंतु से अभियोग धीरे धीरे सत प्रमाणित हो मंत्री कथा होते कि नहीं गोविंद सह बाराक समय बाराक्रु बाहर अर्थात जितेबाला फेरार हो जाता गोविंद से ही समय कॉल डिटेल्स को जांच कहीं करा से प्रसंग आज उठाई विजय महापात्र निहत भाव में ता तदंत सापेक्ष जितेबाला बाराक गोविंद साहू थी और बाराक्रु फेरार होगा से ही समय मंत्री कथा होते कि नहीं तहार स्पष्टता सामना को आसवा दरकार अंपटे विजय महापात्र आज खोलाखोली चैलेंज कर गोटे चेतावनी सरकार को देखते यो घटनार दुई तीनो फर्द सामना को आसी संपूर्ण बही विजय महापात्र पाखे अच्छी तार खुलासा से धीरे धीरे करेंगे एभली एक चेतावनी सरकार को देखते सरकार को चेताई सरकार जिते पर्यंत नीरव रे भाव में गोटेपर गोटे फर्द से खोलुवे सरकार को समालोचना करेंगे और विशेषकर मंत्री जो भूमिका रही आउ गोटे सबुठ बड़ कथा से कहते मंत्री अमाप संपत्ति रही रायपुर में केवल ये कूल होम आपार्टमेंट नुहे सहित अनेक गुड़े संपत्ति रायपुर में मंत्री रही एक खुलासा कर खोद विजय महापात्र तेज दिव्य यहाँ कहुपे जिते बड़े विजय महापात्र बारंबार कहते रायपुर लिंक रही से पूर्व सामान कथा कही एथर मध्य कौन जो थे नुह तीन तीन थर बैठक करम्प्रमज कर चेष्टा कर सत्वे पुलिस एपर्यंत यह लिंक नक घटनाक्रमे जिते बड़े कि स्पष्ट भाव जल जल देखा साधारण आखि कुछ रायपुर लिंक को सामना को अणा जाए हे तो पुलिस को तदंत प्रक्रिया को आगे बढ़ावा को आहरी किसी उपादान मिल जापे एवं सहज हो पाए सत्वे पुलिस से लिंक को सामना को न आने पक्षर कारण कौन कह देखो अपूर्व सबुठ बड़ कथा हूँ आज सका कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सालुजा जो प्रसंग उठाइले से सीधा सड़क तारीख रखिदे 20-23 तारीख भितर 20 तारीख में ममिता मेहर को सीधा सड़क गोविंद साहू नहीं जाता रायपुर सेठे बैठक कराइला और 23 तारीख में जो बैठक विफल होता से पुणी घर को फेरी 7 तारीख में अकाउंट को 8000 टाँचा पठागला 8 तारीख में मारि दिगला ए प्रसंग सीधा सड़क सालुजा कही सारी परवर्त समय विजय महापात्र जो कथ कहते ए कथ को से आहरी खोराक जोगाऊँ बयान आहरी खोराक जोगाऊँ जो कथ सालुजा कहले परवर्त समय विजय महापात्र जो कथ कहते तीन रु चार बैठक हो लगातार भाव में तीन चारिमास हे मंत्री ममिता और सहित गोविंद साहू एम से जाऊ कूल होम आपार्टमेंट में बैठक होता बैठक में कौन निष्कर्ष बाहरी पार ना और शेष में बाध्य होते बोध हुए मंत्री किहयोगी किभली रास्तु हटाई दिजा ममिता मेहर को से सुचिंत षड्यंत्र कराइला परवर्त समय 8 तारिख डकागला और मारि दिगला कितु बड़ कथा कूल होम आपार्टमेंट में प्रकृति में क्यों कथ को नहीं आलोचना होता और से ही समय जो कॉल डिटेल्स रही से कॉल डिटेल्स कहीं पुलिस जांच करूनी सहित आज संतोष सिंह सालुजा जो गुरुत्वपूर्ण अभियोग आनी जो पेन ड्राइव और लैपटॉप ए दुईटे ही प्रमाण लुचि रही कौन पर मर जा ममिता को तार प्रमाण पेन ड्राइव और लैपटॉप लुचिक रही प्रसंग अर्थात से जो पेन ड्राइव और लैपटॉप पुलिस पाखे रही कि पुलिस से प्रसंग को एपर्यंत सामना को आणुना तार सत्यता एपर्यंत सामना को आणुना पुलिस जो पूरा पुलिस बर्तमान सन्देह घेर अच्छी सब कथ अच्छी लोकमुखर चर्चा वरिष्ठ नेता अभियोग कर ताले पुलिस सामना को न आणवा तदंत परिसरभुक्त नक कौन सूचाऊ पुलिस बैकफुट अच्छी देखो जिते प्रकृत तदंत हम मत तो आशा निश्चित भाव में प्रकृत तदंत हम ए एजेन्सी हो कि अन्य एजेन्सी हो आप देखिए गोविंद साहू गोटे हायर्ड किलर हिसाब से आपंकर बाहर आ पक्षपटे जन के हायर्ड कर सुपारी किलर गोविंद साहू सुपारी किलर सब्यस्त हम ता पक्षपटे षड्यंत्र प्रथम रू कहली जदि तार गोविंद साहू तार प्रक्रिया प्रति को डरिक हत्या करी एक विश्वास कर कारण गोविंद साहू से चरित्र व्यक्ति जहाँ को झील बाड़ी तार कुकर्म अतीत जो तार पिटी थी तेणुकर से लोकर इज्जत जबार भय ना आउ कौ लोकर इज्जत जबार गोटे भय सृष्टि जो लोक गोविंद साहू को सुपारी देकर हत्याकांड घटे सी बर्तमान खसी जावाक चाहिए से लोक से प्रभावशाली लोक से प्रभावशाली लोकर माने इंगित बर्तमान एक पेन ड्राइव कथा सामना को आसुनी कि लैपटॉप जो कंटेंट अच्छे सामना को आसुनी किंबा अन्य जिते सब फैसिलिटी दिगला गोविंद साहू को से पुलिस बाराकुरु एस्केप करवा मंत्री सहित कथा ये सब जे जो जे हायर कर गोविंद साहू सहायता नहीं मर्डर करने से पर्दा पछपटर से खलनायक आउ जे अच्छा से कथा धीरे धीरे सामना को आसब विश्वास रही कॉल डिटेल्स जांच आवश्यक आजकल तो टेक्नोलॉजी आसलानी एवं पुलिस को बहुत सहज जांच हुए से पर्दा पछपटर जी महाखलनायक अच्छी से महाखलनायक चरित्र आस गोविंद साहू हूँ पन गोटी गोटी कर हत्या कर सी हूँ सुपारी किलर।
ତାହେଲେ ପୋଲିସ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପ୍ରେସରରେ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଡରୁଛି ଏସବୁ ଦିଗକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ? ସେଇ ବିଭାଗର ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କିଭଳି ତଦନ୍ତ କରିପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଡେପୁଟି ମିନିଷ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ହୋମ୍ ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ସେ ବିଭାଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଆପଣ ୟୁ ନେଭର କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଆନ୍ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ ଇନ୍ଟୁ ଦି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ସମ୍ବିତ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ସକାଳୁ କହିକି ଆସିଛୁ, ଯୋଉ କଥା ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିରେ ଦୁଇଟି ଆଦର୍ଶ ବୋଧ ରହିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହଉଛି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟି ବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଔଚିତ୍ୟତା ବା ଉପଯୁକ୍ତତା, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟା ହଉଛି ପଲିଟିକାଲ ଡିସେନ୍ସି। କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟି ଡିମାଣ୍ଡସ ଦ୍ୟାଟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ, ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହଉ ବା ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବା ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ, ତୁରନ୍ତ ସେ ପଦରୁ ଅପସରି ଯିବା ଦରକାର ବା ତାଙ୍କର ନେତା ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମିଶ୍ର ତ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜାରି କରିଥିଲେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷେଶ ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ିଥିବେ, ସେଥିରେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯଦି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତାହେଲେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ସିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ 1956 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ 1956 ଅଗଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଅକ୍ଟୋବର ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ 112 ଜଣ ଲୋକ ମହବୁବ ନଗର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଇସ୍ତଫା ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ନେହେରୁଙ୍କ ପାଖକୁ, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଏ ପଦବୀରେ ରହିବି ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏଇଟା ଆପଣ ତଦନ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ନେହେରୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହେଲା, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନେହେରୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟି ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ନେହେରୁ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଥିଲା, କାରଣ ସେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟି ସେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଔଚିତ୍ୟତା ବା ଉପଯୁକ୍ତତାକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ମୁଁ କହିବି, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଯିଏ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ସାଇନ୍ କରିଦେଇ ବାଜିରାଉତ ଛାତ୍ରାବାସକୁ ପଳେଇ ଯାଇକି ସେଠି ଗାଈ ରଖିକି ଚଳିଥିଲେ। ସିଏ କେତେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଆଦର୍ଶ ସେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି। ଆଜି କୋଉ ଆଦର୍ଶ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନହାନୀ ମକ୍ତମା ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍, ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଏଇ ଘଟଣା ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ, ଖାସ କରି ରାୟପୁର ଲିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାକୁ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବ, ନା ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଜ ବସ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦ୍ଧତିମାନ ଆପଣାଉଛି, ଠିକ୍ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାମାନ ଆପଣାଇବ ପୋଲିସ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ, ଯେହେତୁ ରାୟପୁର ଲିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍ ରାୟପୁରରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା, ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ପୂର୍ବରୁ ରାୟପୁରରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରରେ ରହିଥିଲେ। ତ 2005 ମସିହାରେ ସେ ମାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଜମି କିଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଭ୍ୟାଲି। ତ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ଭ୍ୟାଲି ଯାଇକରି ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲୁ, ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ଭ୍ୟାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2012 ମସିହାରେ ସେ ସ୍କୁଲ ହୋମ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଇ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ 203 ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ଜମି ସେ ଫ୍ଲାଟ୍ଟା କିଣିଥିଲେ। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏଫିଡେଭିଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ 2012 ମସିହାରୁ କେମିତି ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି କିଣିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ କାଳରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କାଳରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ତୁମେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି କିଣାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷେ ସେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ସେବା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲା, ମମିତା ଘଟଣା ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ପୋଲିସ ଅଛି, କାରଣ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅପରାଧ ଘଟିଥାଏ, ମୋବାଇଲଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ, ମୋବାଇଲକୁ ନେଇକରି ହିଁ ବହୁତ ଖୋଳତାଡ଼ ହୁଏ। ତ ତାର CDR ରିପୋର୍ଟରେ ହିଁ, ମୋବାଇଲର CDR ରିପୋର୍ଟରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ, ସେ କାହା କାହାକୁ ସେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି। ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ମମିତା ମେହେର ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଲେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି,
जहाँ सब पोस्ट होती बर्तमान से डिलीट हो जाए तो एवं केवल फोन में लोक कथा होना थ्रू व्हाट्सएप कथा होती सिग्नाल कथा होती फेसबुक मेसेंजर में कथा होती तो ये सोशल मीडिया से क्या क्या सहित जोजोग रही किसी तुम फोटो किंवा किसी तथ्य तुम से सामना को आनी मोताबे से दिग्क हमें पुलिस तदंत कर आवश्यकता अच्छी आज जेहेतु संतोष सिंह सालजा गोटे गुरुतर अभियोग कर ममिता मेहर एकाउंट को टंका पठाई तो आम ये गोटे तमें जो तदंत होगा कथा जो एकाउंट तदंत होबार कथा ममिता मेहरकर केतोटी एकाउंट अच्छे से एकाउंट को केबे पैसा पठे किए पठे गोविंद मेहरकर एकाउंट अच्छी कि गोविंद मेहर एकाउंट को कौन पैसा आसूला सब तो बड़ कथा है जो जिते गोविंद साहू को पुलिस जिते सिंधेकला पुलिस अटक रखिला 14 तारीख रु 17 तारीख पर्यटन थी से जेहेतु जिते कस्टडी रोचे से मोबाइल रहा कथ नुह कि मोबाइल थी से मोबाइल क्या क्या सहित जोजोग करते सेटा भी पुलिस तदंत कर आवश्यकता रोचे बिल्कुल तमाम दिग्क नहीं पुलिस तदंत कर आवश्यकता रोचे जदि प्रकृत में चाहूँ हत्या घटना ये रहस्य उपर पर हटू दिव्य ज्योति आप जानवाक चाहिए जे विजय महापात्र कहते जदि पुलिस एतिक कार्यानुष्ठान न के भाव घटनार खुलासा न करुच्ची तेल पाखे आहरी अधिक तथ्य रही राज्य सरकार को एक्सपोज करेंगे मंत्री को एक्सपोज करेंगे तत्सत पुलिस को मध्य बाट देखेबे जे एही बाटरे जाइकि तदंत कर जेहेतु पुलिस एपर्यंत ठीक बाटरे जाऊना तो विजय महापात्र आगामी पदक्षेप कौन जो प्रकृत में जदि यह स्थिति लगि रहे सरकार घंट घोड़ा चेष्टा करती पुलिस आखि कान नाक सबू बंद कर चुप रुहे तेल कौन कर आगे देखो अपूर्व जहाँ विजय महापात्र प्रथम जो दिन बयान थी से दिन से सीधा सड़क रायपुर प्रसंग उठाई और राज्य राजनीति में गोटे चांचल्य सृष्टि होता जे प्रकृत में मंत्री रायपुर हाउस अर्थात रायपुर बासभवन ही क्राइम लोकेशन अर्थात जो ममिता मर्डर मिस्ट्री राज क्राइम लोकेशन जो कह सेटा रायपुर रही अर्थात से जो राज लुचिकी रायपुर रही प्रथम तदंत आरंभ होवार आवश्यक रही एक विजय महापात्र प्रथम दिन अभियोग करते आज जो अभियोग कर सीधा साल सरकार को चेतावनी देते सरकार यही भाव जब नीरव रे आगामी दिन में गोटे पर गोटे पृष्ठा से खोलिए बहर जो जो मैंने संप्रति अच्छा केवल मंत्री नहांती अनेक नेता और अनेक मंत्री सरकारी अधिकारी ना से अभियोग आने सीधा सड़क केस संप्रति रही से प्रसंग में खुलासा करेंगे और आउ गोटे कथा जदिव से सीधा सड़क कैमेरा सामने कही ना कि कैमेरा बाहर जो कैमेरा बंद होता गोटे कथा कही किसी प्रसंग रही ममिता को भुवनेश्वर अणाइला एठार कंप्रमज करने चेस्ट कराइला ए प्रसंग में विजय महापात्र जदि कथा छड़े कही कि आगामी दिन यार खुलासा करेंगे कहते निहत भाव में विजय महापात्र पाखे अनेक गुड़े तथ्य प्रमाण अच्छी धीरे धीरे से तार खुलासा कर सब बड़ कथा हो विजय महापात्र प्रथम दिन कही संपूर्ण तदंत रिपोर्ट सीधा साल मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंची सारी किंतु किसी अणओड़िया अफिसर जो मैंने चलाउं पुलिस विभाग को से मैंने चापी देते जेहेतु सरकार को अड़ुआ हो प्रसंग और मंत्री सीधा साल संप्रति रही घटना को चापी देवाई बारंबार चेष्टा करपटे आप देखु कि भाव मंत्री खुलम खुला बुलूं कलाहांडी जिले में सहित किए रोच्च ना स्थानीय एसपी रोचान जिलापाल रोचान तो निहत भाव में क्यों ना क्यों प्रमाण को नष्ट करने संपूर्ण योजना कराई और प्रमाण को नष्ट कराऊँ विरोधी अभियोग आज सालुजा से कथा कहले विजय महापात्र से कथा कहले प्रमाण को धीरे धीरे नष्ट करा 24 दिन भितर प्रमाण को जीक नष्ट करता गोविंद साहू 8 दिन भितर ये 24 दिन भितर मंत्री दिव्यशंकर मिश्र से ही अनुपात में आहरी अधिक प्रमाण को नष्ट कर सारे अर्थात जो भिडियो दुईट कथा कहु ममिता मेहर पाखे जो भिडियो दुईट रही है जो भिडियो अनेक नेता मंत्री गुमर लुचि रही से भिडियो को हेत डिलेट कर दि जाए सारी एभली किसी आशंका करती विरोधी निहतर पुलिस पर्दा हटेबार आवश्यक रही जे से जो लैपटॉप और पेनड्राइव रही है कौन कहीं लैपटॉप पेनड्राइव बर्तमान गुरुत्वपूर्ण ताक नहीं कहीं चर्चा लगी रही तार अवस्थान कौन और रायपुर जो घटना घटला रायपुर क्यों प्रसंग को नहींपर मीमांसा करा चाहूल मंत्री दुज भितर एभली कौन कथ जाना ममिता जहाँ को मीमांसा करने मंत्री लगी पड़ते जो गोविंद साहु बिल्कुल तो अनेक प्रश्न सामना को आसूची जार उत्तर पुलिस को देवाक पड़ो राज्य गृह विभाग को देवाक पड़ो सहित अक्षय साहू यह बाद आहरी अनेक प्रश्न सामना को आसूची कौनपाई ममिता बापा आधार एपर्यंत तदंत को आगे बढ़ा जाए ना कौनपाई महाली कलेज जो सेक्स राकेट कथा सामना को आसूची केन्द्रीय टीम सामान अभोग कर बुलिकी कि राज्य पुलिस नीत एपर्यंत भांगुना जे प्रकृत में ममिता मेहर हत्या घटना पर यह सब आंगेल गुड़ को नहीं तदंत हवा कथा कि नहीं सेक्स राकेट कथा कहतु रायपुर लिंक कथा कह जाऊ ममिता बापा कौन अभियोग आनी कहूँ सारा राज्य में जो चर्चा होती महालीन कॉलेज पूर्वतन छात्र मैंने भी अभियोग आनी राति अध्या कैप्टेन मिश्र कॉलेज को विजे करुते कैप्टेन मिश्र निजे कहते कॉलेज को आसिले मत यंग यंग फिल हुए
এই সব দিগকু নেই তদন্ত হওয়া আবশ্যকতা আছে না নাই দেখন্তু এসব দিগ তদন্ত হেই পারিব নাহি সিধা সলক কইলে ওড়িশা পুলিশ তাকু করি পারিব না আচ্ছা কারণ যেপর্যন্ত আপনকর সরকারে বিজু জনতা দল অছি এবং হোম মিনিস্টার রইচন্তি আপনকর দুই দুই জন হোম মিনিস্টার রইচন্তি দিব্যশঙ্কর মিনিস্টার রাষ্ট্রমন্ত্রী রইচন্তি মিনিস্টার অফ স্টেট রইচন্তি এবং তারপরে ক্যাবিনেট মিনিস্টার রইচন্তি নবীন পটনায়ক অছন্তি দিব্যশঙ্কর মিশ্র পদবীরে থেলা বেলে থিলা পর্যন্ত কেবে চাহিবেনি এবং সিয়ে যদি পদরে বিদা হাঁতি হোম মিনিস্টার মুখ্যমন্ত্রী হি রইবে তেমন মুখ্যমন্ত্রী কেবে চাহিবেনি যে পুলিশ বিভাগ তদন্ত করে এমতি রিপোর্ট দৌ যেটা তাঙ্কর সরকারকু অড়ুয়া পকাইব অনলেস অ্যান্ড অনটিল যদি এইটা আপনকর হাইকোর্ট মনিটর্ড যদি ইনভেস্টিগেশন ন হুয়ে কিংবা আপনার গোটা হাইকোর্ট মনিটর এসআইটি ইনভেস্টিগেশন ন হুয়ে কিংবা সিবিআই প্রোব ন হুয়ে এইটা চিটফন্ড স্কাম ভি আপনার ঘটনাটি হয়ে যদি চিটফন্ড স্কাম যেত ঘটনার আপনার দেখবে ক্রাইম ব্রাঞ্চ যে এটি কি ফুলচন্দন দিয়ে যা পাছোট নেওয়া দেওয়া সিবিআই সিবিআই সে আরেস্ট করে যে ক্রাইম ব্রাঞ্চর আইনার স্বচ্ছ লে কাচ ভি কাচ কেন্দু ভি সফা লে সে সিবিআই জালের ধরা পড়লে এটি এক্সাক্টলি যদি সেইভাবে গোটা এসআইটি তদন্ত ন হুয়ে কিংবা আপনার সিবিআই প্রুভ ন হুয়ে তাহলে আপনার কেবে আশা করতুনি যে এটি আপনার গোটা স্বচ্ছ মুখ্যমন্ত্রী বারম্বার যে কুহতি যে আইন তা বাটরে যাব তাহলে কেবল রাজ্যবাসী কু ভুয়া বুলাইয়া পাই তাহা কুহতি যে আইন তা বাটরে যাব যে রাজ্যবাসী এত ভাল পাইবা দেইছেন মুখ্যমন্ত্রী কু দুই দশন্ধি রু অধিক সময় ধরি লোকঙ্কু সবুলে তাহলে ঠকি আসুচ্ছেন যে আইন তা বাটরে যাব কিন্তু নিজ মন্ত্রী হলে আইন অলগা বাট খুঁজি দেব এবং সিধাসল কহিদেবি যে পরকীয়া প্রীতি আউ কিছু তদন্ত করা যাই পারিব না দেখুন আইনের বাটকু সবুবেলে গোটে মোড়ি দিয়া যাচ্ছে তাকে ডিফ্লেক্ট করে দিয়া যাচ্ছে যে সিধা আইন তার সিধা বাটরে যা কথা সিধা বাটরে যাওনি তাকে গোটে অলগা বাটরে তাকে মোড়ি দিয়া যাচ্ছে তেমন করে এটি যেত আইনর বাটটা জবরদস্তি মোড়ি মকচি দিয়া যাচ্ছে সেটি আপনার কেবে আশা করবেনি যে মানে আইন তার বাটরে যাব তো এটি আইনের মানে যদি আপ্লিকেশন যদি প্রপর আপ্লিকেশন ন হুয়ে তাহলে আপনি ইউ ওয়ান্ট গেট এটা গোটা আপনার সাইন্টিফিক মানে এক্সপেরিমেন্ট ভালো যদি আপনার তাকে প্রপরলি আপ্লাই করবে দেন ইউ গেট দি রেজল্ট অদরওয়াইজ ইউ ডোট গেট দি রেজল্ট আপনার বুমেরাং হব এক্সাক্টলি এটি যে আপ্লিকেশন অফ ল হচ্ছে এটা মানে উইথ নট উইথ অল সিনসিয়রিটি অর ইন্টিগ্রিটি এটা হচ্ছে আমি কইপারিবা তো এটা সিলেকটিভ ওয়ে তাকে মানে আপনার আইনকে প্রয়োগ করা যাচ্ছে যেটা প্রথমর হি ডিআইজি স্পষ্ট করে যে আমি কেবল মর্ডরটাকে ইস্টাবলিশ করবু কনস্পিরেসি কথা সে কনস্পিরেসি শব্দ বি কই না আ পছ পটর হইদর হি যে আপন গোটা সুপারি কিলার আসছে সে মর্ডার করছে কিন্তু সুপারি কিলার কু কে তা হায়ার করিছে প্রশ্ন হচ্ছে যে যে গোবিন্দ সাহু তা ঝিয়ক কতরু নিজের কুকর্ম পাই এই ভলিয়া কুকর্ম খাই মাড় খাইতিলা তার যদি পরকিয়া প্রেম যদি পদারে পড়িতান্তা তার কিছু মান সম্মান কিছু এপট সেপট হইনিতান্তা আউ কাহার মান সম্মান সেটি আঁচ আসিবার থিলা যে কি গোবিন্দ সাহুঙ্কর সহায়তা নেইছন্তি গোবিন্দ সাহুকু সুপারি কিলর হিসাবরে মানে ইউজ করছন্তি সে ব্যক্তি সে খলনায়কঙ্কর চেহারা পদাকু আসিপারিব সেতিক বেলে যেতবেলে গোটা ইম্পার্সিয়াল প্রুফ হব আর সে খলনায়ক হি ধরিছন্তি তাঙ্কর মান সম্মানকু এবং তাঙ্কর মান সম্মান পদমর্যাদা পলাই যাব বলি সে এইভাবে গোটা গোবিন্দ সাহুর সহায়তা নেইকরি তাঙ্কু হত্যা করিছন্তি ওকে সুরেন্দ্র শেষ রিয়াকশন নেওয়া চাহিবি বর্তমান সময়ের রাজ্য পুলিশর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং স্থানীয় প্রশাসনর হাবভাবকু দেখি অন্দাজা লগাযাইপারে যে তদন্ত সঠিক বাটরে আর যাব না যেভাবে ভাবে যে থিওরি সামনাকু আনিছি সেই থিওরি সহিত পুলিশ এই ঘটনাকু চপাই দেওয়াকু চাহুছি রফা দেওয়া করিবাকু চাহুছি দেখন্তু অপূর্ব প্রথম দিনর হি সন্দেহ গড়ে ওড়িশা পুলিশ যেহেতু যেতবে জন নিখোঁজ হয়ে থাকে যে থানার বি জন যদি এফআইআর দেলা তাকে জিরো এফআইআর করি রেজিস্ট্রেসন করা কথা কিন্তু কে গাঁ থানা যেতলকে এফআইআর দিয়েছেন মমতা মেহর পরিবার যেতলে পৌঁছিছেন সে এফআইআর রখি না সবুতু বড় কথা হল আমার যা রিলায়েবল সোর্স অদিন হত্যা ঘটিছে সেই দিন ক্যাপ্টেন দিব্যশঙ্কর মিশ্র সম্পৃক্ত অঞ্চলরে থিলে এবং আজি যে খুলাসা করছেন সন্তোষ সিং সালুজা যে মমিতা মেহর একাউন্টকু সেপ্টেম্বর 20-23 তারিখ ভিতরে যে রায়পুর যেতে তাকে একাউন্টকু পয়সা ট্রান্সফর হয়েছে কিন্তু আমার পাখে যা রিলায়েবল সোর্স আছে যে ঘটনা হত্যা ঘটনা ঘটিছে অক্টোবর 8 তারিখ অক্টোবর 7 তারিখ মমিতা মেহর একাউন্টকু সৌরভ নামক জন ব্যক্তি 7000 টাকা তাকর একাউন্টকু পকাইছেন তো সে সৌরভ কি কাহিকি সে মমতা মেহর একাউন্টকু ঘটনার জস্ট গোটে দিন পূর্বর পয়সা পঠাইছেন তাহলে তদন্ত করা আবশ্যকতা রয়েছে অপূর্ব বহুত ধন্যবাদ সুরেন্দ্র বারিক পশ্চিম ওড়িশা ব্যুরো চিফ এবং অক্ষয় সাহু বরিষ্ঠ সাংবাদিক আম সহ
अधिक आलोचना करुथिले। रायपुर लिंक को नहीं जो गुमर सामनाक आसुची ताकु उन्मोचन करने को चेष्टा कर रहस्यर ओडिशा पुलिस एवं जो तदंत कथा सामनाक आसुचे ओडिशा पुलिस जो भाई तदंत करुची ताकु प्रायतः लोक असंतोष प्रकाश करुछंती, विरोधी दल गुड़िक असंतोष प्रकाश करुछंती, बुद्धिजीवी महल में असंतोष प्रकाश पाउचे जो भाई तदंत हवा कथा से भाई तदंत हो आईन को मोड़ी मकची अलग बाटर नहीं जी जाऊपटे रायपुर लिंक सामना को आसापर से ही दिगक नहीं पुलिस तदंत आगे बढ़ेब कि ना ताप बर्तमान नजर रही समस्त रही मंतव्य को ये रखु मत विदाय दिंतु नमस्कार।